मॉनसून बीतने के बाद एक बार फिर जिले में मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय सहित जिले भर के विकासखंड मुख्यालयों से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रोजगार की तलाश में गुजरात पलायन कर रहे हैं। इस स्थिति से प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी वाकिफ हैं, लेकिन वे पलायन रोकने के प्रयास करते नहीं नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में इनकी भीड़ देखी जा रही है, जबकि इस वर्ष करोड़ों से भी अधिक राशि मनरेगा के तहत खर्च की जा चुकी है। इतना ही नहीं, राशि खर्च होने के बाद भी प्रशासन पलायन रोक नहीं पा रहा है। मजदूरों का कहना है कि काम नहीं होने के कारण हमें मजदूरी करने के लिए गुजरात जाना पड़ रहा है। ग्रामवासियों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलवाने तथा पलायन की प्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिले में भी जिला पंचायत के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना यानी कि मनरेगा का संचालन किया जा रहा है, लेकिन मजदूरी समय पर नहीं मिलने के साथ ही परिवार के भरण पोषण की खातिर उन्हें रोजगार की तलाश में पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे पास कुछ काम धंधा है ही नहीं, पानी गिरा नहीं, खेती बाड़ी सब नष्ट हो गई, फसल भी बर्बाद हो गई है, इसलिए मजदूरी हमारे पास है नहीं, रोजगार मिल रही है हमको, इसलिए हम गुजरात प्लान करते हैं। कितने दिन के लिए जाते हैं आप लोग? हम जाएंगे कम से कम 2 महीना। फिर भी जिले में काम नहीं है, पंचायत वगैरह तो काम देती कि नहीं आप? बोझ नहीं है, काम नहीं है हमारे। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? मेरे साथ 9 जन। काही गिर्या नहीं, ते पानी काही नहीं है, घर में काही खाना पीना हमरा है नहीं, साधन है नहीं, भूखे पेट हम मरिया ने। खरगोन जिला में काही दाड़ की दंदू है नहीं, ते हम कहाँ जा रहा? गुजरात जा रहा, पेट के लिए जा रहा हम, सब दूर हमको जाना पड़ा ने। सरकार आगे से कभी पट्टी थन का देते, हम कथे नहीं जाता है, ध्यान बैठी रहा का ही नहीं देता, पंचायत वगैरह काम नहीं देता, सरपंच काही नहीं काम देता हमको, हम काई करा यहाँ घर बैठ बैठ का भूखा मरा का बैठ के लिए जाना पड़ता है। JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।